हेलो इवन, वी वेलकम यू इन आवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स में। आज हम लोगों ने बाइनोमियल स्टार्ट किया था, पिछले दो लेक्चर्स में हम काफ़ी कुछ कवर कर चुके हैं, उसका थर्ड पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। हम लोग हर एक टॉपिक को बहुत ही डिटेल में लेके चल रहे हैं। जैसे बाइनोमियल में हमने ऑलमोस्ट सभी शॉर्टकट ट्रिक डिस्कस की हैं, आज बची हुई मिसलेनियस प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ हम लोग कोशिश करेंगे कि कुछ नयापन प्रॉब्लम में क्रिएट करने की कोशिश करें ताकि आपको एक नए वे में सॉल्यूशन समझ में आए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बाइनोमियल थ्योरम्स पार्ट 3 के साथ। देखिए, जितनी भी टेक्निक्स हैं, जितनी भी शॉर्टकट्स हैं, लेट मी क्लियर वन थिंग दैट दे आर इक्वली यूजफुल फॉर NDA, फॉर JEE, फॉर गेट एग्जामिनेशन, अदर एग्जामिनेशन लाइक IPM हो गया, या आपका जो है सेट हो गया, या जितने भी रिलेटेड कॉम्पिटिशन्स हैं जिनमें मैथमेटिक्स आता है, चाहे वो लेक्चरशिप का ही कॉम्पिटिशन क्यों ना हो, उसमें इक्वली यूजफुल है। ओके, तो आज ये शॉर्टकट ट्रिक 9 हम स्टार्ट करेंगे। इससे पहले 8 हम डिस्कस कर चुके हैं, 8 ट्रिक्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये आज 9th है। तो आज की पहली ट्रिक में हमको जो डिस्कस करना है उसमें बेसिकली हम लोग यहां डिस्कस करने वाले हैं, अगर हमको कोई भी पावर कैलकुलेट करनी है, खासकर से वो पावर जो कि यहां पर जितना एड ऑन हो रखा है। देखिए, यहां पर पहले 1 था, 2 था, और यहां पर 100 तक गए, और उसके बाद एक्स टू पावर 99 कह रहा है, इसको कोएफिशिएंट निकाली। तो देखिए, इसके लिए आपको कोई बाइनोमियल लगाने की अगर देखा जाए तो जरूरत नहीं है, ये सिंपल वैसे ही कैलकुलेट हो सकता है अगर आप कैलकुलेट करने की कोशिश करें। आप लोगों ने ये जो फंडा पढ़ा होगा ना क्वाड्रेटिक का, एक्स स्क्वायर माइनस 3x सपोज दैट अ प्लस 2 इज इक्वल टू 0 देखा है, अगर इसके आप फैक्टर करें तो x माइनस 1 एक्स माइनस 2 आता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मल्टीप्लाई हो रहा है, ये यहाँ पर ये 100, ये 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब 2 फैक्टर आ रहे हैं इसके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये 100 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर जो मैक्सिमम पावर आएगी वो 100 आएगी, और यहाँ पर जो पावर आ रही है मैक्सिमम वो कितना आ रही है, 2 आ रही है। तो ये जो कॉफिशेंट है, ये कॉफिशेंट बेसिकली निकालने के लिए कह रहा है वो हमसे एक्स एच पावर 1 का, तो 2 माइनस 1 ये आएगा 1, तो ये कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है। तो जब भी वो हमको ये कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है, तो हम उस केस में क्या करते हैं कि इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग इट बाय बाइनोमियल और सम अदर एक्सपेंशन, वी डायरेक्टली अप्लाई द फॉर्मूला, सिंपल फॉर्मूला विच से दैट इफ एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस एन इज देयर, और वो इफ ही आस्क कि आप जो है एक्स इज पावर एन माइनस 1 का कोएफिशिएंट निकालिए, तो इट इज ऑलवेज एन एन प्लस 1 बाय 2। अब वो कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, इतना ही आएगा। अब देखिए, इसको आप यहाँ अप्लाई करने की कोशिश करिए, यहाँ पर ये जो है एन, यहाँ पे जो एन है, एन की वैल्यू 2 है। अगर आप देखें यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 प्लस 1। ओके, और माइनस साइन है इसलिए माइनस साइन ऑटोमेटिकली आएगा ही आएगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, माइनस 3 आ जाएगा, क्योंकि माइनस साइन है तो इसलिए हम उसको माइनस साइन को छोड़ नहीं सकते, यहाँ प्लस का है तो प्लस साइन के लिए। ठीक है, राइट। अब देखिए, यहाँ पर अगर आप इसको देखें, एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 100 दे रखा है, तो देखिए यहाँ पर जो एन है वो 100 दे रखा, तो 100 माइनस 1 यानी कि एक्स टू पावर 99 हो गया। तो एक्स एच पावर 99 का कोएफिशिएंट निकालना है, तो एन की वैल्यू आप सिंपल फॉर्मूले में पुट कर दिए, फॉर्मूले में पुट किया तो आपने 100 एन एन प्लस 1 यानी कि 101 अपॉन 2। क्लियर। अब देखिए, जो साइन है वो साइन आप जो है, क्योंकि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो साइन चेंज होगा होगा, तो यहाँ पर कितना आ गया, ये 2 से कैंसिल हुआ, 50, आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 50 आ जाएगा। ओके,
तो आपको ये फंडा याद रखना है और इसी पर बेसिक्स जो है हम लोग काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं, तो ये आई थिंक दिस इज इनफ कि अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। ओके अब देखिए नेक्स्ट कॉलम देखते हैं हम लोग, द एक्सपेंशन ऑफ x माइनस वाई रिश्ट पावर n, n ग्रेटर इक्वल टू 5 इज डन इन डिसेंडिंग पावर्स ऑफ x। ठीक है, तो कह रहा है कि इफ द सम ऑफ द फिफ्थ एंड सिक्स टर्म इज जीरो। देखिए बहुत ध्यान समझिए, यहाँ पर फिफ्थ टर्म कह रहा है और सिक्स टर्म भी कह रहा है और यहाँ पर n जो है अननोन है। अगर n अननोन है तो देखिए आपको कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम आ सकती है, तो आप थोड़ी स्मार्टनेस दिखाइए, आप इसको यूज करिए जो यहाँ पर दिया है इसने। यहाँ पर इसने दिया है n की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, आप n की वैल्यू 5 ही रख दीजिए। अब देखिए क्वेश्चन कितना आसान हो जाएगा, x रिश्ट पावर 5 हो गया। अब इसमें आप फिफ्थ टर्म निकालिए, जब आप इसमें फिफ्थ टर्म निकालते हैं, फिफ्थ टर्म का मतलब क्या हो गया, r की वैल्यू 4 हो गई और r की वैल्यू सिक्स टर्म के लिए 5 हो गई। जब आपने इन दोनों को किया, यहाँ से आपके पास जो आएगा वो आएगा 5c4, पहले वाले की पावर n माइनस 1 यानी कि कितना हो गया 5 माइनस 1 यानी कि 1 हो गया, 5 माइनस 4 यानी कि 1 आ गया, फिर y की पावर माइनस y रेश पावर r होता है तो 4 हो गया। फिर ये इन दोनों को ऐड करने के लिए कह रहा है सिक्स टर्म, तो सिक्स टर्म निकालेंगे तो n यानी कि 5c5 x रेश पावर 0 हो जाएगा 5 माइनस 5 और y रेश पावर कितना आएगा 5। ये कह रहा है ये 0 दे रखा है उसने इसको, तो यहाँ से अगर आप इसको कैलकुलेट करें देखिए, तो यहाँ से तो आ जाएगा 5x क्योंकि एन सी एन और एन सी एन माइनस वन दोनों की वैल्यू बराबर होती है, और कितनी होती है एन के इक्वल होती है एन सी वन और एन सी एन माइनस वन यानी कि यहाँ पे 5c4, तो 5c4 और 5c1 ये दोनों के दोनों बराबर होंगी, तो इसकी वैल्यू कितनी आती है हमेशा एन के इक्वल आती है, तो ये कितना हो गया 5। और यहाँ पर देखिए माइनस का वाई है तो वाई स्टिपा 4 प्लस ये कितना हो गया 1, ये हो गया वाई स्टिपा 5 0। अब देखिए वाई कॉमन कैंसिल हो गया और यहाँ पर एक बात हम लोग भूल गए, यहाँ पर ये माइनस का साइन भी आएगा, तो यहाँ पर ये तो ये कितना हो गया 5x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज दैट वाई एक्स अपॉन वाई पूछा है उसने, तो ठीक है एक्स अपॉन वाई इक्वल टू कितना हो गया 1/5। अब n की वैल्यू 5 यहाँ रख के देखते हैं किसमें कौन सेटिस्फाई होता है, n की वैल्यू यहाँ पे रखा 5 0 आ गया, n की वैल्यू यहाँ पे रखा तो 1/5 आ गया, आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। देखिए कितना सिंपल है, आपको हमेशा एक ही बात ध्यान रखनी है, जब भी इस तरह की प्रॉब्लम आएंगी तो आप लोग जो है डिफरेंट डिफरेंट n की वैल्यूज पुट करके देखिए, क्योंकि n की सारी वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई होता है जो कि 5 से बड़ी है, तो आपको ये सब लंबी कैलकुलेशन में जाने की जरूरत नहीं है, यू हैव टू सेव योर टाइम। ओके तो चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं, इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x^50 द सम ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ ऑड पावर्स ऑफ x। एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, जब अगर हम 1 प्लस x^n करते हैं, इसमें सम ऑफ पावर करें, सम ऑफ कोएफिशिएंट करें हम, यानी कि एन सी जीरो से लेकर एन सी एन तक का सम करें, तो हमेशा 2^n ही आएगा। आप x की वैल्यू 1 रख दीजिए, इसको इसकी भी ट्रिक है, आप x की वैल्यू 1 पुट करिए 2 आ गया, 2^n हो गया, खत्म कहानी, सारी जगह ऐसी होगा आपके लिए, क्लियर। ऐसे अगर यहाँ पे अगर आप चाहें तो इसको भी टेस्ट कर सकते हैं, ax + by दे रखा है, n दे रखा है, तो इसका सम हमेशा a + b^n ही आता है। तो इसमें क्या होता है कि जितनी भी टर्म्स होती हैं उनमें से आधा इवन का सम देते हैं, आधा ऑड का सम देते हैं, ठीक है। तो अगर हम ऑड का सम निकालें यहाँ से, तो इट विल बी 2^n, क्योंकि ये ऑड प्लस इवन अगर आप देखें तो दोनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब 2 यहाँ पर आ जाएगा, 2 ऑड्स अगर मैं एक तरह से कह दूँ तो इतना आएगा, तो ऑड की का सम कितना आएगा 2^n/2 यानी कि 2^n-1। यहाँ n की वैल्यू कितनी दी है उसने 50, यानी कितना हो गया 49, तो दिस विल बी द आंसर, क्लियर।
तो आप छोटी छोटी ट्रिक्स याद रखिए, छोटे छोटे शॉर्टकट्स याद रखिए, इट विल सेव योर टाइम, इट विल गिव यू द करेक्ट आंसर. ओके चलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 19 है, एक्सपेंशन दिया है 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर 43 का और कह रहा है कि ये कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ 2r प्लस 1 एंड r प्लस 1 टर्म r इक्वल. तो देखिए हमने आपको पहले ही बताया था जो 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर n हो अगर आपके पास, तो उसमें tr प्लस 1 में जो कोफिशिएंट होता है बेसिकली वो ncr होता है अगर फर्स्ट से पहले प्लेस पे. तो आप देखिए r प्लस 1 का मतलब है 2r प्लस 1, यानी कि 43c2r की जो वैल्यू है वो कह रहा है कि उसके इक्वल है r प्लस 2, यानी कि यहाँ पे r प्लस 1 प्लस 2 1 लिख सकते हैं इसको आप, तो इसका मतलब हो गया 43cr प्लस 1. ठीक है, तो कह रहा है कि r की वैल्यू बताइए, r कैलकुलेट करना है आपने. तो देखिए आपको पहले भी हमने डिस्कस किया था कि ncr अगर इक्वल है किसके, ncs के इक्वल है, बहुत छोटी सी बात है, तो n इज इक्वल टू होता है r प्लस s. तो अगर ऐसा है तो आप कर लीजिए इसको 3r प्लस 1 इक्वल टू 43, तो r इज इक्वल टू 42, ये हो गया 14. क्लियर. तो देखिए आपको अगर आप वैसे कैलकुलेट करेंगे इसको, टर्म निकालेंगे, टर्म कैलकुलेट करेंगे, तो इट विल बी अ लॉन्ग प्रोसेस, बट अगर आप ऐसे कर लेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा. आपको इतना सा फंडा याद रखना है एक छोटा सा. क्लियर, तो आई होप इट इज क्लियर टू यू. नेक्स्ट पे आते हैं. इफ द कोफिशिएंट ऑफ ए रेज़ टू पावर एम एंड ए रेज़ टू पावर एन इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस वन इज अल्फा एंड बीटा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. तो देखिए वही क्वेश्चन आ गया, एक तरह से मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में भी अगर आप देखें ए रेज़ टू पावर एम का कोफिशिएंट देखें अगर आप, तो कितना आ जाएगा एम प्लस एन सी एम, और ए रेज़ टू पावर एन का कोफिशिएंट देखें अगर आप, तो एम प्लस एन सी एन आएगा. इसको उसने अल्फा बोला है, इसको उसने बीटा बोला है. अब देखिए फिर से वही प्रॉपर्टी लगाते हैं, एन सी आर इक्वल्स टू एन सी एन माइनस आर, ये होता है. अब देखिए इसमें अगर इसको सेपरेट करेंगे कितना आएगा, एन आएगा. इट मीन्स ये दोनों वैल्यू सेम है. ठीक है, तो देखिए आप, हम लोग सारी जितनी भी चीजें सब डेमोंस्ट्रेट करके दिखा दें आपको, आपको प्रैक्टिकली क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दें, तो आपको बिल्कुल भी किसी टेक्निक को वैसे रखने की जरूरत नहीं, किसी भी शॉर्टकट को ऐसे रखने की जरूरत नहीं है. आप प्रॉब्लम लीजिए, कोई प्रॉब्लम उठाइए, ये सारी की सारी प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम है, एनडीए की, जेई की, ये एनडीए की प्रॉब्लम है, आप प्रीवियस ईयर से चेक भी कर सकते हैं. तो हम लोग का कोशिश यही है कि आपको प्रीवियस ईयर, ताकि आपको पूरा कवर हो जाए, आपको इंपॉर्टेंट फंडे क्लियर हो जाए, इसलिए हम लोग हर चीज को बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम लेकर डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि एक दो प्रॉब्लम लेकर डिस्कस कर रहे हैं. इससे पहले की सारी प्रॉब्लम हम पहले दो लेक्चर में कंसिडर कर चुके हैं. अगर आपने अभी तक वो लेक्चर्स नहीं देखे तो उनको आप पहले देख लीजिए, ताकि आपको फंडा और क्लियर हो जाए, आपको बहुत चीज़ें बहुत अच्छे समझ में आने लग जाएँ. ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं. अब यहाँ पर भी कुछ इस तरह की बात कर रहे हैं, लेट द कोफिशिएंट ऑफ द मिडिल टर्म ऑफ द बायनोमियल एक्सपेंशन ऑफ दिस वन. अब देखिए यहाँ पर मिडिल टर्म देखिए, पहले देखिए वो कह रहा है x 1 प्लस एक्स इज पावर 2n, और आपको पता है ये कैसा हो गया, इवन हो गया. और जब भी हमारे पास इवन होता है तो हमारे पास जो इवन में नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं वो कितना होता है, अगर आपको पुराना लेक्चर याद है तो n बाय 2 प्लस 1 होता है. क्लियर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2n बाय 2 प्लस 1. क्लियर, यानी कि इट विल बी हाउ मच, इसे कैंसिल हो गया, एन प्लस वन है टर्म, मिडिल टर्म होगा. दूसरी बार जो उसने कहा वो, इसको तो खैर उसने क्या कहा है, अल्फा कहा है. अगली बात जो उसने कही है वो क्या है कि 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 2n माइनस 1 है. तो देखिए ऑड है, कैसा केस है, ये ऑड है, ये इवन वाले केस है. जब ये ऑड है तो आपको पता है कि ऑड में दो केसेस हो जाते हैं, ऑड में दो केसेस कौन कौन से होते हैं, एक तो 2n माइनस 1 प्लस 1 बाय 2 और 2n माइनस 1 प्लस 1 बाय 2 प्लस 1. तो देखिए यहाँ से तो ये कैंसिल हो गया, यानी कि कितना आ गया nth, और यहाँ से ये कैंसिल हुआ n प्लस 1, इतना आ गया.
अब देखिए अगर आप इसको अल्फा, इसको सपोज दैट आप बीटा बोलते हैं, इसको आप सपोज दैट गामा बोलते हैं, अगर इसको आप कैलकुलेट करें इसके लिए तो इसका कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा 2nCn, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसकी पावर देखिए कितनी है 2n-1c, और यहाँ पर कितना आएगा nth है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर n माइनस वन, इसे कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 2n-1cn आ जाएगा। अब इसको अल्फा उसने बोला है, इसको अल्फा बोला है उसने, इसको बीटा बोला है और इसको गामा बोला है। अब हम लोग क्या करते हैं इन दोनों को देखते हैं ध्यान से, इक्वल वाला क्वेश्चन तो हो नहीं सकता है, ग्रेटर लेस देन वाला भी नहीं हो सकता है, तो इसलिए हम क्या करते हैं इसको ऐड करके देखते हैं। अब हमको पता है कि एन सी आर माइनस वन प्लस एन सी आर क्या होता है, इन दोनों में इसमें एक ऐड हो जाता है और इस वाले में जो ग्रेटर होता है उसको ले लेते हैं, यानी कि आर, इसको यहां पर पुट करते हैं, इसको अप्लाई करते हैं यहां पर, तो यू विल गेट हाउ मच 2n, देखिए इसमें एक ऐड होगा तो 2n हो गया, c इन दोनों में बड़ा कौन है n, तो यही आ गया, तो यानी कि ये किसके, ये क्या हो गया बीटा प्लस गामा, तो बीटा प्लस गामा की वैल्यू किसके इक्वल है अल्फा के इक्वल, तो दिस विल बी योर आंसर। ओके क्लियर है, इजी। तो जब भी आपको क्वेश्चन करना है थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है, कैलकुलेशन कम से कम करना है, और ज़्यादा ध्यान जो देना है वो आपको शॉर्टकट्स पे और स्मार्ट वर्क पे ध्यान देना है, क्योंकि अगर आप स्मार्ट वर्क पे ध्यान नहीं देंगे तो फिर आपको क्या करेगा कैलकुलेशन अधिक से अधिक कराएगा। कंपटीशन में जितने भी क्वेश्चन आते हैं उनमें कैलकुलेशन ईजी होता है बट दे आर लॉजिकली मोर स्ट्रॉन्गर देन द नॉर्मल एकेडमिक्स। ओके अब देखिए ये क्वेश्चन देखिए, अगर आप इसमें इसको कैलकुलेट करने लग जाए तो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये लिखा है इसने 20 Cn + 2 = 20 Cn - 2। अब फिर से आप वही प्रॉपर्टी लगाइए, देखिए NCr = NCs, तो इसका मतलब होता है N = R + S। तो देखिए कितना सिंपल हो गया, एक लाइन का क्वेश्चन हो गया, 20 = 2n, n की वैल्यू कितनी आ गई 10, तो कितना फास्ट हो गया देखिए आपका काम। अगर इस क्वेश्चन को वैसे आप खोल के करने लग जाए तो बहुत टाइम लगेगा, बट अगर आप ट्रिक लगाएंगे तो हो जाएगा। ये NDA 219 की प्रॉब्लम है आई थिंक, जो मेरे को याद आ रहा है। नेक्स्ट पे आते हैं, देखिए इसमें इसने एक स्टेटमेंट दिया है, इस स्टेटमेंट को सॉल्व करके जो है आपको सारी वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, और तीन क्वेश्चन दिए हैं इसने, मतलब एक स्टेटमेंट से आपको तीन क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। ठीक है, तो आपको इतना सा याद रखना है कि जब भी इस तरह की प्रॉब्लम आएगी आपको डायरेक्ट सॉल्व करने के बजाय कुछ ट्रिक्स लगानी है, जैसे यहाँ पर ट्रिक क्या लगेगी कि NCr/NCr+1 जो होता है इसकी वैल्यू हमेशा R+1/N-R ही आती है। ठीक है, और ऐसे ये दूसरा देखा है NCr+1/NCr+2 दे रखा है, तो आप सिंपल इसमें R की जगह पर R+1 पुट कर दिए, दिस बिकम्स R+2, और यहाँ पर आपने पुट किया तो कितना आ गया R+1 पुट किया तो N-R-1, यहाँ पर वैल्यू देखिए इसकी 1/2, यहाँ पर देखिए वैल्यू इसकी 2/3। अब क्या करना है आपको यहाँ से एक इक्वेशन डेवलप करनी है, इतना तो थोड़ा करना पड़ेगा आपको, मैं समझ रहा हूँ कि आप सोचोगे शॉर्टकट कहाँ दे गया। देखिए शॉर्टकट का मतलब ये नहीं है कि आप जो है बिल्कुल नहीं आपको कुछ ना करना पड़े, ये 50% तक काम आपका ख़त्म कर देता है, कई बार 50-90% तक का काम ख़त्म कर देते हैं, मगर 10% काम तो आपको करना ही पड़ेगा, उसके लिए तो आपको थोड़ा बहुत तो पेन लेना पड़ेगा। ओके तो यहाँ से देखिए ये 2R+2 और ये कितना आ गया -2 आ गया। ठीक है, ऐसे दूसरे वाले से डेवलप कीजिए आप, यहाँ से आ जाएगा देखिए, इतना तो आप कर सकते हैं कि थोड़ा सा इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, जैसे 3R हो गया, यहाँ से आएगा 2R यानी कि 5R हो गया, फिर देखिए यहाँ से 2N आ गया माइनस का
और बाकी जो है जितना ही बचा यहाँ पर, ये हो गया 3 2 6 और माइनस का 2 यानी कि माइनस का 8। अब आपको ये थोड़ा सा ये साइमल्टेनियस इक्वेशन है, आप थोड़ा जल्दी भी सॉल्व कर सकते हैं, इसे सॉल्व करेंगे आप तो आर की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, आप चेक कर लीजिएगा 4, और एन की वैल्यू आ जाएगी कितना 14। ओके अब इसको आप देख लीजिए, एन की वैल्यू आप जो है एन की वैल्यू जो है इसने 14 दी है, हाँ दी है, आर की वैल्यू 4 दिए, हाँ दिए, ये आंसर हो गए। इसके बाद वाले क्वेश्चन में आप लगा सकते हैं एक ट्रिक, और हमेशा ध्यान रखिए जो एन पी आर अपॉन एन सी आर होता है तो इसमें एक ही टर्म एक्स्ट्रा होती है जो डिनोमिनेटर में होती है, वो होती है फैक्टोरियल आर, तो फैक्टोरियल आर ऊपर चले जाता है। आर की वैल्यू दी है उसने कितना 4, ये कितना हो गया 24, 4 3 12, 12 2 24, तो दिस विल बी द आंसर। देखिए कितना सिंपल हो गया आपके लिए काम, आप काफ़ी हद तक कैलकुलेशन से बच जा रहे हैं, काफ़ी हद तक आपका आंसर बहुत एक्यूरेट आ रहा है, बहुत जो है एक आध स्टेप के बाद ही आ जा रहा है। तो आई होप कि आपको ये सारी ट्रिक समझ में आई होंगी, आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि आपको हमारी नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टेक्निक के साथ, टिल देन गुड बाय।